लटा के आए हैं बालाजी बाबा पे, कही तो प्रसाद। हेलो जी, राम राम भाई, कैसे हो? अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, करीब 8:30 का टाइम हो चुका है रात का। तो आज हम जाएंगे गांव की ओर, तो गांव की ओर होली, तो आप सभी को ढेर सारी होली की, तो भाई आप सभी को मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम होली मनाने के लिए गांव जा रहे हैं, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। नितारा के पापा इधर मोबाइल छेड़ रहे हैं, इधर नितारा भी तैयार है, काफ़ी देर से रंग में खेल रहे हैं, रंग में हो रहे हैं, सार गुलाल वगैरह कर रखे कलर में कपड़े ले। दोस्तों देखो, इधर तो खेलू जी तो तैयार होके बैठ गई है और इसको अभी चाव लग रहा है, और अभी 3-4 दिन इसे गांव से आए हुए हैं और फिर से चल दी। देखो अपने किले दिखाते दिखाते क्यों नहीं, अभी बार मैं होली पे भाई गांव जा रही हूँ, तो इस बार ना होली काफ़ी साल से ना हमारी होली बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन हम तो क्या जबरदस्ती मनाते हैं, भगवान बोलते। तो वही ना, हम लोग होली मनाने के लिए और बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए गाँव जा रहे हैं, और आज हमारे साथ में ना कौन जा रहा है वो आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज, और हमने गांव जाने की पूरी, इधर देखो सबके साथ होली खेल रही है भाभी जी, तो बिल्कुल कलर में चकाचक हो रही है। मेरे प्यारे भैया जी, भाभी जी बता था यहाँ पे होली खिलाने आ रही है रात में। भाभी जी आज हमारे साथ गांव जा रही है, तो इसलिए ये पहले ही अपना नेक पूरा करके ना, ना मेरे प्यारे भैया जी, दाढ़ी वाड़ी खत्म हो गई ना, बस बस फिर दौड़ना पड़ेगा, चिटा पिटी लगेगी मेरे भाभी। तो भाई आप चलती है गांव की ओर, तो दोस्तों हम चल दिए हैं स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए। अरे तू मेरे, और भाभी जी का हस्बैंड हमें छोड़ने के लिए, देखो ये शर्म आता है थोड़ा, तू अपने काम कर ले। आजा आजा सर मारे, दुल्हन बन रहे। आजा उधर चलो, उधर वहां से बैठे, वहां से बैठेंगे यहाँ से, ना और क्या। तो आप पहुंचे अभी हम स्टेशन पे, और अभी आने वाली है हमारी ट्रेन, और यह सुबह आगे बग रहा है यथार्थ भी, और खेलू भी आ रही है, और इंदु भी आई है हमें छोड़ने के लिए, यार लीसा भी आ रही है। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब हमने जाने की पूरी तैयारी कर ली है, और ये आपको पता ही होगा ये भाभी जी के हस्बैंड है, और अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ट्रेन भी आ गई है हमारी, और हमारा वेट हुआ ख़त्म, और देखो स्टेशन पे भीड़ लगी हुई है क्योंकि सभी होली करने के लिए जा रहे हैं। ट्रेन भी आ गई है दोस्तों, तो अभी हम कोटा स्टेशन पर आके पहुंच गए हैं, और अभी तो हमें यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी अभी बाद में है, तो अभी खेलू तो पीछे आ रही है, और भाभी जी भी साथ साथ आ रही है, और बच्चे मेरे पास है दोस्तों। ये खेलू और भाभी जी पीछे पीछे जंक्शन पे आके हम पहुँच गए हैं अभी, तो दोस्तों अभी हम जयपुर में आके पहुंचे हैं,
और यहाँ से हम लेने वाले हैं आश्रम, क्योंकि वहाँ से यहाँ से हम उतरे थे दुर्गापुरा, दुर्गापुरा से गांधीनगर के लिए टेम्पो में बैठ के आए हैं। तो इधर हमारे ये देख लीजिए बच्चे हो रहे और भाभी जी भी ये खड़ी है। चलो चलो आने वाले अपने घर। दोस्तों अभी हम आके पहुँच गए हैं ठेठ, और थोड़ी दूर है बस राजगढ़ करने वाले हैं। और इधर यशु भी उठ गया है या थार भी उठ गया है। और चलो देख लीजिए खेलू भी उठ गई है और भाभी भी उठ गई है, निशारा भी उठ गया। चलो चलो। तो अभी हम उतर गए हैं हमारे राजगढ़ स्टेशन पे, और यहाँ आते आते उजाला भी हो गया है और हम पहुँच गए सही टाइम पे। वैसे 6 बजे हैं अभी, तो 6 बजे 10 मिनट का टाइम हुआ है, क्योंकि हमको आराम से सीटें भी मिलती गई और गाड़ी भी टाइम टू टाइम मिलती गई। दोस्तों आप पहुँचे हैं घर पे हम भी, और इधर देखते हैं तो सारे खेत वगैरह खाली पड़े हैं। और ये भाभी जी कह रही है पहले आई थी मैं तब हरियाली हो रही थी, पर अब बिल्कुल खाली है। भाभी तो पीछे पीछे चल, मुँह को आगे चल वाले। कौन भाभी? सही है। रॉकी भी आ रहा, रॉकी। तो दोस्तों हमारा रॉकी देखिए कैसे आ रहा है। ओ, ओ तेरी कितना प्यार करता है यार, हमको तो कोई करता ही नहीं है। खेलू को तो देख, कुत्ते भी प्यार करते हैं यार। पागलो और इधर पापा पड़ाव कर रहे हैं, और इसमें हम तो आप पहुंचे हैं दोस्तों घर। और जीजी भी पता नहीं अभी तक तो काई काम में लगी हुई है। जीजी उधर काम में, और नितारा पहुंच गई जीजी के पास। रॉकी तुम करोगे? चलो साफ पानी पी लो। तो दोस्तों इधर देखो खेलू साफ सफाई में लग रही है, क्योंकि सारे पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ों के पतझड़ हो रहा है। और कल आंधी भी आई थी तो उससे पूरे पत्ते पत्ते हो गए थे, तो कितने सारे पत्ते झाड़ के रख रखे हैं। हाँ खेलू कैसा लग रहा है तुझे गाँव आके? अब अभी तो गई थी तो गाँव से। जीजी के पास चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जीजी रांध रही है भैंस के लिए, भैंस का खाना बन रहा है इसमें दोस्तों। तो भाई ना घर का काम भी हो चुका है आधा आधा पर्दा, और इधर का काम भी आ गई है देखने से। अभी आ कहीं रुकी है, और इधर भाभी जी तो नहाई धोई भी कर ली, चमक गया तो ना गोर। हाँ सही है। तो इधर भाई चूल्हा जला के दे, देखो आ बाहर तक जल गया, कल तो लिपाई करेंगे इसकी। तो लिपाई के और इतने देखो लंबू दादो भी आगो शूटिंग करेंगे। बोल। तो भाई बन रही है हमारी रोटी, और भाभी जी खा रही है खाना। आ जाओ दोस्तों सुबह भी खा लो। भाभी जी तो नहा धो के तैयार हो गई है खाना खाने के लिए। पहले तुम प्रसाद चढ़ा, प्रसाद चढ़ा के आते हैं। प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। तो भाई अभी बन रही है रोटी, और नितरक पापा प्रसाद छंडा प्रसाद छंडा के आए हैं बालाजी बाबा पे। कही तो प्रसाद मेरा रख दो, पीछे खाऊंगा मैं अभी। भाई आज ना हम एक स्पेशल काम भी करने वाले हैं, और स्पेशल क्या करने वाले हैं, जो हमारा कैमरा है ना अभी हमने उससे हम करने वाले हैं आज हमारे कैमरे की पूजा। फिर उसके बाद तो भाई है ना अब मैं नहा धो ली हूँ, फ्री हो गई हूँ, खाना भी खा लिया बिलाल। तो अब सभी बाहर बैठे हैं, जी जी पापा है नहीं है, तो हम एक वीडियो शूट करेंगे। चलो भीतर चलो। तो भाई इधर देख सकते हो चाची जी भी आई है, और इधर जी जी के हमारी कमर में दर्द हो रहा है तो तेल लगवा रही है।